Race at Godspeed Racer, go! कहा था ना इंजन पूरी तरह से काम कर रहा है। गाड़ी का बोनट आओ देखें। वाह, बेशक बहुत कमाल की चीज है। यकीनन। मुझे दुख है कि मैं इतने लंबे अरसे दूर रहा स्पीड। कहां थे आप? क्या आप जेल में थे? और अब क्यों लौटे? पूछने के लिए लाखों सवाल आते हैं जिन्होंने बेचैन किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बताने के लिए लाखों बातें हैं, पर अहम बात यह है कि हम एक खानदान के तौर पर दोबारा जमा हुए हैं बगैर गैस वाले इंजन की बदौलत। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बगैर गैस वाला इंजन और सब कुछ जबरदस्त है, पर आपके लौटने से उसका क्या ताल्लुक है? इस इंजन की वजह से ही मैं यहाँ वापस आ सका हूँ, वरना मेरे लिए लौटना इतना आसान नहीं था। अच्छा, पर क्यों? हाँ, ये आपकी सोच से भी ज्यादा उलझा हुआ है। मेरा ख्याल है कि मैं ये साफ लफ्जों में बता दूं कि घड़ी हमारे लिए ही टिक टिक कर रही है। हमारे लिए हमला करने का आखिरी मौका है, नहीं तो। या फिर क्या बॉस? बेवकूफ इंसान, क्या मुझे समझाने के लिए अपनी हर बात की वजाहत करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए? अरे नहीं, अब ऐसा ना सोचे कि वो लोग आपकी कुकीज ले जाएंगे। क्या ऐसा है बॉस? वो मुझे दे दो, मैं किसी की भी बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारी भी नहीं सलीम। समझ गया बॉस। ये वही है। गुड मॉर्निंग जनाब नबील, माफी चाहते हैं पर हमें कारोबार पर बात करने की जरूरत है। यकीनन, मैं कारोबारी आदमी ही हूँ। अच्छा है, क्योंकि आपके नाकाम होने की आदत से अब हम उतार चुके हैं। नहीं, आप समझी नहीं, हमें बस जरूरत। अपना वक्त बर्बाद न करें वकार, बस जल्दी से मैच है हासिल करें, वरना। वरना क्या? क्या मुझे अपनी कही हुई हर बात की वजाहत करनी होगी, खासकर जब मैं अपनी बात वरना पर खत्म करूं? समझ गया, हम रابطे में रहेंगे वकार। अब्बा, क्या आप इस औरत को खामोश नहीं कर सकते? मुझे अफसोस है कद्दू, तावक्ते हमें मैक्सिक्स हासिल ना हो जाए, हमें उससे अहकामात लेने होंगे। पर अब्बा, मेरी मीठी आलू बुखारा, अब थोड़ी बड़ी हो जाओ और अब्बा के मंसूबों में बखेड़ा मत खड़ा करो। तो आइए ब्रास ट्रैक्स पर चलते हैं मोहतरम हजरात। सलीम, मंसूबे को शुरू करो। ठीक है बॉस। मैक्सिक्स यहाँ पर मौजूद है, एक गैर महफूज गराज में। हमारी मुश्किलें सिर्फ बैजवी शक्ल वाला हलम और उसका छोटा रोबोटिक बंदर है, जिनको पार कर लिया जाएगा। ताहम मुझे किसी मुश्किल की वहाँ से उम्मीद नहीं है। एक टफ रेंजर का इस्तेमाल करते हुए हम मैक्सिक्स को एक महफूज खुफिया मकाम पर ले जाएंगे। करीम, खलील, अशरफी, आप लोगों को मेरा साथ देना होगा अगर वो मगरूर बच्चे अपने कीमती गाड़ी को वापस लेने की कोशिश करते हैं तो। और फिर अगर कोई परेशानी की बात हुई तो मैं उससे निमटने के लिए गुंडे भी लाऊंगा। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। सलीम, तुम मेरे साथ टफ रेंजर में होंगे। हाँ, शॉटगन। अहमक, तुम्हें शॉटगन कहने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ और कोई नहीं जा रहा है। ठीक है बॉस। जबरदस्त, तो लोगों की दर्जाबंदी कर दो। मैं यहाँ रुकता हूँ और ये मेरे कमरे में साथ रहने वाला हलाम है। हलाम, ये है स्पीड रेसर। यहाँ मेरे कमरे में? रुको, ये मेरे स्पीड रेसर के बहुत सारे ख्वाबों में से एक हो सकता है, चेक करता हूँ। आओ, नहीं, ये हकीकी है। स्पीड मिस्टर रेसर सर, जनाब, मुझे फख्र हो रहा है। मेरे पास आपकी तमाम इश्तेहारात, आपकी टी शर्ट, बिस्तर की चादरें हैं, यहाँ तक कि मैंने आपका एक मुजस्मा भी बनाया जिसे मैं बिस्तर के नीचे रखता हूँ। शायद ही नहीं बताना चाहिए था। आपसे मिलकर भी मैं बहुत खुश हुआ आलम। स्पीड मुझसे कहता है कि आप कंप्यूटर में उस्ताद हैं और मैं खुद भी अपने मैक्सिक से तुम्हारे काम से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। देखिए जीनियस, नहीं, मैं अपने आप को जीनियस नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है आप चाहे तो मुझे एडवांस कह सकते हैं। अरे क्या शोर मचाया हुआ है यहाँ, काफी तेज आवाजें आ रही हैं। ईबा, ये मेरे अब्बा हैं, स्पीड रेसर। वाओ, आपसे मिलकर खुशी हुई जनाब रेसर, मुझे यकीन नहीं है कि आप वाकई यहाँ हैं। हाँ, कुछ वक्त के लिए गया था। अरे हाँ, इनफैक्ट मेरे अंदाजे के मुताबिक मुमकिन है कि ये असली स्पीड रेसर हो ही ना, बल्कि एक बहरूपिया रोबोट हो। मुझे भी यकीन है। आउच। ए
है। चिम चिम हलम, ये रोबोट बिल्कुल नहीं है। अब स्पीड और उसके अब्बा को अकेले छोड़ देते हैं, उनके पास काफी बातें होंगी। ठीक है, पर जब वो तुम्हें अपने मजबूत मेटल क्लॉथ से नोच डालेगा तो मेरे पास मत आना, मत आना, बिल्कुल मत आना। इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, पागल हो जाता है कभी कभी। ठीक है स्पीड, चलो अब तुम्हारे भाई से बात करते हैं। कैसे हो भाई? फैज, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब्बा? हेलो फैज। फोन पर बात करें, मुझे आपसे बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना अब्बा। आप भी ना रखें स्पीड, इन्हें भागने की बुरी आदत है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर मुझे मौका तो दो। क्या बताना है? क्या आप बगैर किसी वजह के गायब नहीं हो सकते? कभी कभार दिखाई दिए और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। जैसा कि मुझे यकीन है कि आप दोनों को ये पता होगा कि हमारे खानदान के बहुत दुश्मन हैं। बगैर गैस वाले इंजन को खराब करने की किसी भी साजिश या तुम दोनों को नुकसान पहुंचाने के बारे में जानने के लिए मुझे रडार में गाड़ी चलानी पड़ी। फैज, क्या तुम्हें नहीं पता अब्बा सिर्फ हमें बचाने के लिए छुपे हुए थे? तो अब क्यों लौटे हैं? क्या आप अपने जासूसी वाले खेल से ऊब गए? नहीं, अब सभी बगैर गैस वाले इंजन के बारे में जानते हैं। वकार की चालें बेकार हैं। तुम दोनों के साथ फिर से मिलने में उतना खतरा नहीं है। चिम चिम, चिम चिम। परेशान करने के लिए मुआफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि एक फैमिली के तौर पे हम फिर मिल गए। ये रेसर का कुनबा और हलम आखिरकार साथ हो ही गए। अरे नहीं, क्या परेशानी है चिमचिम? ये मैक्स 6 है, इसे कुछ हो गया है। अरे हमें गैराज चलना होगा। ओह, ये तो इतनी बड़ी जगह की पूरा ट्रक इसमें से गुजर सकता है। या उससे भी बदतर, मैक्स 6। ओह, अब हम क्या करेंगे? रोटी का टुकड़ा तलाश करो। डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, खुशकिस्मती से मैक्स 6 आलमी पोजीशनिंग सिस्टम से लैस है, जो मुझे इसके ठिकानों का पता देता है। उन्हें दिखाओ चिमचिम। चिमचिम का इस्तेमाल करके मैक्स 6 कहाँ है हम इसका पता लगा सकते हैं। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि जिसे भी वो मिला है उसका जल्दी वापस करने का इरादा नहीं है। मैं लाखों की शर्त लगा सकता हूँ, मुझे मालूम है ये कौन है। क्या हम कहीं पर रुक सकते हैं बॉस? मुझे बैतूल खला जाना है। ओह, सलीम, चलने से पहले होकर आना चाहिए था ना। ठीक है, तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। वकार, ये वही इंसान है जिससे मैं बात करना चाहता था। खुशखबरी ये है कि हम बेशकीमती मैक्स 6 को अपने साथ ला रहे हैं। जल्द मिलेंगे वकार। चलो दोस्तों, हमें वकार के पीछे जाना होगा और मैक्स 6 को वापस लाना होगा। हाँ चलो चले। नहीं जरा ठहरो, मुझे नहीं लगता वकार का पीछा करना अक्लमंदी है। ओ रहने दें, हम इसे संभाल सकते हैं। तुम नहीं जानते कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो फैज, और आप ये समझना नहीं चाहते कि अब हम बच्चे नहीं रहे। आराम से फैज, वो हमारे लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। जो भी हो, आप लोग यहाँ बेकार बैठ सकते हैं, लेकिन मैं मैक्स 6 वापस लेने जा रहा हूँ। फैज रुको, अब्बा हमें उसके साथ जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हलम ईबा, तुम यही रुक कर वकार का पीछा करने में हमारी मदद करो। आप चिमचिम को साथ ले लें, वो आपको ठीक से दिखा पाएगा कि वकार कहाँ है। अगर चीजें वहाँ उलझती हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हम मैक 5 को ले जा सकते हैं। जबरदस्त, मैं चलाऊंगा। क्या आपने मैक 5 कहा? क्या मैं चला सकता हूँ इसको थोड़ा सा? हो सकता है तुमने ऐसा किया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। इस बार गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त, गुड लक दोस्तों। चिमचिम के मुताबिक हमारे और वकार के दरमियान 1 मील से भी कम का फासला है। होशियारी से फैज, वकार बगैर कुछ चाल चले मार्क 6 चोरी नहीं करेगा। मेरा भी यही ख्याल है, उसे कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। अरे बॉस, ऐसा लगता है कि स्पीड आ रहा है अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए, और उसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी है, और वो भी तब जब हम आराम करने वाली जगह पे पहुंच रहे हैं। तो क्या वो यही है स्पीड रेसर? बिल्कुल सही वकार, मुझे लगता है कि तुम्हारी ट्रक के पीछे मेरे बेटे का कुछ है। हो सकता है कि वो मेरे स्पीड रेसर लंच बॉक्स पर दस्तखत कर दे। कोई बात नहीं, हिम्मत है तो इसे हासिल करके दिखाओ। ठीक है दोस्तों, हमें हम सफर मिल गया है। दिफा के लिए तैयार, आ जाओ बाहर।
तैयार रहो फैज। बिल्कुल तैयार, आज फैज ड्राइविंग का कमाल दिखाएगा। वो दूर जा रहे हैं। फैज अपने कमेलियन मोड को ऑन करो और उनको सामने से घेरो। मैं पीछे से उनका ध्यान बटाता हूँ। समझ गया अब्बा। देखो बेटे, काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमेशा नुमाइशी लेजर या फिर होलोग्राफिक डू दैट्स की जरूरत नहीं। तैयार रहो दोस्तों, मामला बिगड़ने वाला है। फैज शाबाश। उस दिल ऐसा लगता है मुझे कुछ और होशियार और माहिर ड्राइवर्स की जरूरत है। बॉस, मुझे आगे एक गैस स्टेशन दिखाई दे रहा है, क्या हम रुक सकते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज। अभी नहीं सलीम। खलील, करीम, इन कीड़ों को रास्ते से भटकाओ। कोई परेशानी नहीं है बॉस। दोस्तों तैयार हो जाओ, ऐसा लगता है कि वकार के पास अभी और भी हथियार है। आओ चलो इन्हें खत्म करें। समझो, हो गया। मैं निपटता हूँ मस्खरों से। लगता है ये हमारे जाल में फंस रहे हैं। इसे पैनकेक की तरह बराबर कर देते हैं। फैज, ये तुम क्या कर रहे हो? मुतमाइन रहो, मैं इन सबसे बाहर निकल सकता हूँ। संभल के। तुम्हारे लिए मेरे पास अभी वक्त है, वकार के लिए जाओ। यकीनन, शुक्रिया फैज। अरे बॉस संभल कर। अभी रुको। बहुत नजदीकी मामला था। अब हम क्या करने वाले हैं अब्बा? मुझे नहीं पता, मैक्स 6 को छोड़ने के लिए हम बहुत करीब नहीं हो सकते। हो सकता है हम ट्रक के बहुत करीब ना पहुंचे, पर मुझे पता है ये कौन कर सकता है। हलाम, क्या चिमचिम उस ट्रक के पीछे से चढ़कर मैक्स 6 को आजाद करा लेगा? ये जोखिम भरा है, लेकिन हाँ, आप लोगों को जल्दी करनी चाहिए, दूसरी गाड़ी आपके पास आ रही है। मेरे अब्बा को अकेला छोड़ दो। तो फिर हो जाए चिमचिम, तैयार हो जाओ। एक, दो। इस बंदर को मेरी कार पर उछालने का सोचना भी मत। हाँ, नहीं चिमचिम, नहीं। ये लगता है चिमचिम मजे कर रहा है। हाँ, पर कैसे? ओ हाँ, वो मैंने दूर से ही मैक 6 तक रसाई हासिल करके इसका होवरिंग बर्ड ऑन कर दिया है। वहाँ से हट जाओ बेवकूफ बंदर। सुनो फैज, जब तक हम मैक 6 को अलग कर रहे हैं, तुम अशरफी को संभाल सकते हो। बिल्कुल, कुछ भी हो मैं अशरफी के साथ खरीदारी करने गया हूँ, ये कितना खतरनाक हो सकता है। अशरफी, क्या कर रही हो? ये बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए भी। जो भी हो फैज, इसे खुद पर मत लेना, इसे अपने लिए मत समझना। अच्छा, मुझे डर है कि तुम्हारी खुशी खत्म होने वाली है, मामला बिगड़ने ही वाला है। तुम पागल हो? तुम्हें इसका अंदाजा भी है कि धमाके से मेरे बाल खराब हो जाएंगे? ये तो बस शुरुआत थी। अलाम, फैज की तवज्जो अशरफी पर है, चिमचिम के लिए मैक 6 को खोलो। समझ गया। ठीक है चिमचिम, मैक 6 की लेजर आरी का इस्तेमाल करके उन जंजीरों को काट दो। अरे इस रोबोट बंदर को देखो, बहुत प्यारा है। मैक 6 को आजाद करने के लिए लेजर आरी का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे मुझे लगा तुम्हें बैतूल खला जाना था। नहीं अभी नहीं। मजबूती से पकड़ो। ये हुई ना बात, अब आएगा असली मजा। नहीं,
ऐसा बार बार क्यों होता है? तुमने देर कर दी वकार, मुझे यकीन है कि कोई मसला नहीं हुआ है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, पर यहाँ थोड़ा सिग्नल खराब आ रहा है। क्या मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर सकता हूँ? बहुत खेल खेल लिया। सलीम, रॉकेट फायर करने की तैयारी करो। ठीक है बॉस। स्पीड, जरा धीरे, वकार हमें कबाब बना देगा। बेटा रास्ते से हटो। सलीम, मोटे लंगूर, वो मेरी बेटी है जिसे तुमने मार ही दिया होता। अब्बा, मेरी गाड़ी बर्बाद हो गई। आप मुझे एक नई खरीद कर देंगे और एक पोनी भी। स्पीड, अगर तुम अपने सूट को मैक्सिक से जोड़ देते हो तो वकार के हथियारों का मुकाबला आसानी से कर सकते हो और टफ रेंजर को आहिस्ता करने के लिए उसके करीब जा सकते हो। समझ गया हलाम, सब लोग पीछे हो जाओ। मैं अपने रेसिंग सूट की ताकत को बढ़ा रहा हूँ और इस कीड़े को काबू में करने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये होने वाला है। वो शैतानी गाड़ी, फिर से फायर करो, देखता हूँ वो उसे कब तक बचाती है। अरे वो कहाँ गया? असली खेल का वक्त तो अब है वकार। खाली मत बैठो, फायर करते रहो। ओह, मुझे नहीं लगता कि हम कर सकते हैं। मैं तुम्हें सोचने के लिए पैसे नहीं देता, फायर। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, शानदार काम स्पीड। हाँ, तुमने तो धज्जियां उड़ा दी। मैं तमाम सहरा नहीं ले सकता दोस्तों, आखिर सबसे बढ़कर ये कुनबे का मामला था। चोरी की कोशिश, सरकारी सड़क की बर्बादी और एक चट्टान को नुकसान। लंबे अरसे के लिए अंदर जाओगे मेरे दोस्त। ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो वकार नबील को रोक पाए। डैडी, क्या जेल में पेडिक्योर भी होती है? मुझे तरस आ रहा है उस पर जो उसके साथ जेल में होगा। पोस्ट कार्ड भेजना वकार। हम दोबारा बच गए। हाँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता, वहाँ का खाना बुरा होता है। हम पकड़े जाएं उससे पहले यहाँ से निकल लेते हैं। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। हो सकता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया हो। वो नाकाम हो गया है ना? देखो तो, उसका कुछ आता पता नहीं है। जेंटलमैन, ऐसा लगता है कि अब हमें कोई कारोबार जनाब नबील के साथ नहीं करना है। वो शानदार था स्पीड, मुझे खुशी है कि तुमने इसे पूरा कर दिया। ओह, अब जनाब रेसर और फैज, गुड जॉब। बच्चों, ये एक आला किस्म की ड्राइविंग थी और बिल्कुल ईबा हलम, तुम्हारे बिना ये मुमकिन भी नहीं था। आपके साथ मिलकर काम करेंगे तो हर बार कामयाब होंगे अब्बा। ज्यादा मगरूर मत बनो लड़को, हो सकता है हमने वकार को भेज दिया लेकिन हमारे और भी बहुत सारे दुश्मन हैं। लेकिन आपने कहा कि बगैर गैस वाले इंजन के कम होने से बुरे लोगों की बुराई कम होती जाएगी। मैंने भी यही सोचा था लेकिन ये इतना आसान नहीं है। स्पीड, फैज, मुझे जल्दी जाना होगा, मुझे लगता है बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं जिन्हें पूरा करना है। वाह, एक और झटका। देखो स्पीड, मैंने कहा था ना अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। लेकिन अब्बा, कम से कम आपसे रابطہ तो कर सकते हैं। ओह, मैं भूल गया था, तुम्हारे लिए जानना बहुत खतरनाक है कि मैं कहा हूँ, लेकिन इसके जरिए मैं तुमसे रابطہ कर सकता हूँ। शुक्रिया अब्बा। या अल्लाह, ये क्या है? इस डेटा के हिसाब से उस मिशन के दौरान मैक 6 की ढाल बेकार हो गई थी। स्पीड, तुम खुशकिस्मत हो कि वकार ने तुम्हें कुचल नहीं दिया। मुझे लगता है वकार को अगली बार मजीद कोशिश करनी होगी, है ना अब्बा? अब्बा? वो चले गए। उन्होंने तो अलविदा तक नहीं कहा। ठीक है, इसकी आदत हो गई है। तुमने तो कह दिया चिमचिम। हे, ये पावर के लेवल्स इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं? मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। मुझे स्पीड को बताना होगा। तुम भाग सकते हो पर छुप नहीं सकते स्पीड रेसर।